हेलो एवरी वन वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन सो इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर वन ऑफ इट सो अगर आपने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है सो यू कैन वॉच इट आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ दो लाइन्स हैं हमारे पास ए बी और सी डी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको जो दी हुई है वो ये दी हुई है दैट ए सी को मिला के और बी को मिला के आपका एंगल कितना है सेवेंटी दिस इज द फर्स्ट गिवन कंडीशन इन दोनों एंगल्स को मिला के आपका एंगल बनेगा सेवेंटी डिग्री का और एक और इन्फॉर्मेशन है आपके पास बी ओ डी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास फोर्टी डिग्री और हमें निकालना है एंगल बी सबसे पहले और दूसरा एंगल हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ सी ओ सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल वो देखेंगे हम कैसे निकालते हैं सबसे पहले आप ये देखो कि ए ओ सी और बी ओ डी में क्या रिलेशन है तो ए सी जो है आपका वो क्या होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा किसके बी ओ डी के क्यों क्योंकि अगर ये फोर्टी है तो ये भी फोर्टी है बिकॉज़ यू कैन सी कि आपको दिया हुआ सी डी लाइन और ए बी लाइन आपकी वर्टिकल सॉरी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो इसका मतलब स्टार्ट करते हैं प्रूफ से सबसे पहले आपका प्रूफ में क्या आएगा एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए सी इट इक्वल्स फोर्टी डिग्री और आप क्या लिखोगे इसको मेंशन करोगे पेयर कौन सा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अब अगर आपके पास ए ओ सी की वैल्यू आ गई है तो क्या हम इक्वेशन वन में से बी ओ ई की वैल्यू निकाल सकते हैं सो आंसर इज यस यू कैन इजीली फाइंड सो ए सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू सेवेंटी डिग्री और ए सी की जगह क्या प्लेस करोगे फोर्टी डिग्री सो फोर्टी डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज़ इक्वल टू सेवेंटी और बी ओ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी सेवेंटी माइनस फोर्टी विच इज़ थर्टी बी ओ ई भी हमें पता चल गया दिस इज़ थर्टी डिग्री अब हमें क्या बोला जा रहा है कि आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई सी ओ ई नहीं बोल रहे निकालने को उसका ऑपोजिट एंगल जैसे अगर आपको दिख रहा है ना कि ये आपका सी ओ ई है तो इसके पूरा पीछे वाला ये वाला पार्ट निकालना है हमें और ये पूरा कैसे निकलेगा हमारा 360 में से सी ओ ई को माइनस कर दोगे सी ओ ई पहले आपको लेकिन निकालना पड़ेगा तो अब आप ये देखो कि आपका रिलेशन क्या बन रहा है ए ओ बी हमारी स्ट्रेट लाइन है इन तीनों एंगल्स को मिला के फोर्टी सी ओ ई ई और थर्टी वन एटी बन रहा है क्योंकि दे आर ऑन द स्ट्रेट लाइन तो आप क्या लिखोगे एंगल सॉरी आई विल राइट फोर्टी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस थर्टी डिग्री इज इक्वल टू वन एटी वाई बिकॉज ए बी इज अस्ट्रेट लाइन अब इसके बाद आपके पास सी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी फोर्टी प्लस थर्टी सेवेंटी होता है सेवेंटी को राइट साइड ले जाओ तो सी ओ ई आपका आ गया वन टेन अब आप क्या निकालना चाहते हो रिफ्लेक्स एंगल तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये आपका वन टेन है सी ओ आपका वन टेन डिग्री है तो इसका रिफ्लेक्स कितना होगा इट विल बी थ्री सिक्सटी माइनस वन टेन थ्री सिक्सटी माइनस वन टेन इट विल बी 250 degree so yes we are done with the first question now we'll start with the second question